कमाना खेत मिट्टी है जी, 500-600 बन जाए बड़ी गल। ये कपड़े हमारे उतारेंगे, अपने नहीं बेचेंगे। ये टायर का जो पंचर है ये 200 रुपए में हो गया, पहले 50 रुपए में लगता था। जी बच्चों को पढ़ाइए, रोटी खाइए। जो गरीब है ना, वो गरीब तो गरीब तर हो रहा है। जो भी कुमरान आता ना, गरीब मारन वास्ते ही आता है। ये सब एक जैसे ही है, अब किसको हम कह सकते हैं। किसी चीज का ना दुकानदार को सुकून है, ना रेडी वाले को सुकून है। गुजर बसर ऐसे है कि सुबह के ये बैठे हुए रिक्शे वाले, ये टाइम हो गया, कारोबार है कोई नहीं। हम बयान नहीं कर सकते, सिर्फ हम रो नहीं सकते। नहीं जी, अटा पत्र दौर नहीं देखा कि ना कारोबार है, ना कोई लैंड, ना कोई देन, कुछ भी नहीं है। सब चोर है ने, ये सब खाने वाले है ने, इन्होंने सब खा पी जाना, पाकिस्तान खत्म कर जाना। मैंने तो लगता तकलीफ ही मिलेगी, रिलीफ तो कभी मिली ही नहीं। बहुत मुश्किल दौर गुजर रहा है। आवाम के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। मैं कपड़े बेचूंगा, उसने अपने नहीं कहा हुआ, उसने हमारे लोग भूख से मर रहे हैं, वो खुद आप में लड़ रहे हैं, आवाम का कुछ सोच ही नहीं रहा। हम आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल है। हमारा तो जो बुरा हाल है, ना हम रो सकते हैं, ना हम आ सकते हैं। ये महंगाई हो ही जा रही है, कारोबार टकेदा नहीं है। इनिया पार्टियां बन गई ने, उन्होंने अपनी कुर्सियां दी पई है, उन्होंने गरीब बंदा कोई नजर ही नहीं आ रहा। हर महल्ले में एक गुंडा रखा होता है, वो आके वोट ले जाता है, पैसे ले लेता है, वो कहते हैं वोट मेरे मुँह में डाले। अभी कारोबार रहा ही नहीं, अभी आप तो मुलाजमों को फर्क कर रहे हैं। वो कहता है मैंने आवाम के कपड़े बेच कर भी महंगाई को कंट्रोल करना, तो बिक रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल अकरम और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़नामा। नाज़रीन, हुकूमत 9 तारीख को बजट पेश करने जा रही है, क्या ये बजट आवाम दोस्त होगा या इसके आने के बाद आवाम को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? तो आइए हम आवाम से ही जानते हैं। नहीं जी, होर लक टुटेगा जी, अगे मरे पे हैं, ये होर ज़्यादा मारन गए। अच्छा, कोई ऐसी हुकूमत नहीं हैगी कि जेड़ा कोई गरीब आवाम नू फायदा होवे, कोई एदा कोई बिल लो या महंगाई लो, कोई ऐसा हुक्मरान आवे कि जेड़ा मुल्क नू सवारे। ये सारे जेड़े ना मरन वाले ने। ये महंगाई हो ही जा रही है, कारोबार टकेदा नहीं हैगा। जिन्हां दे किराए दे मकान ने वो किथे जाण, वो अपना पेड़ भरन या किराया देण या बिल देण। अगर घर नहीं भी है तो बिल तो फिर भी उन्होंने देना है। वो कहेंगे बिल नहीं दे तारांगे तो मीटर ला के ले जाएंगे। मालक कहते हैं मीटर लवाओ, दसो किथे जाइए। मजदूरी करने पलेदारी। कितना कमा लेते हो? कमाना खेत मिट्टी है जी, 500-600 बन जाए बड़ी गल। 500 नहीं बनता पिया, इन्ना का वेखो तुम रोड के उत्ते कोई है कोई चीज़। पहले ऐसा अच्छा इन्ना काम होता सी कि असी 1500-1500 हज़ार 1200-1200 लैके जाते सर, हूँ 500 नहीं बनता। वजह जी हूँ हुकूमत है जी, हूँ पता नहीं की बनया खड़ा इन्होंने, पता नहीं इनिया पार्टियां बन गई ने, उन्होंने अपनी कुर्सियां दी पई है, उन्होंने गरीब बंदा कोई नजर ही नहीं आ रहा। वो कहते हैं इनू मार दीए तो असी अपनी मैं कुर्सी पर बह जाव, कहता मैं बह जाव, उन्होंने यह नहीं पता कि जी गरीब आम बैठी वो कितने जाएगी। बजट आने वाला है, आपको क्या लगता है कि रिलीफ मिलेगा या मजीद मुश्किलात पैदा होंगी? मैंने तो लगता तकलीफ ही मिलेगी, रिलीफ तो कभी मिली ही नहीं। अच्छा, रिलीफ मिलता है बड़े बंदे को, माड़े को रिलीफ नहीं मिलता। महंगाई की सूरत हाल है, बहुत और ज्यादा खराब हो जानी, मजीद और महंगाई उत्ते चली जानी है। यह सब तुहाडे पैसे तुहाडे खीसे चो जाने, जो तुम लै रहे हो सारे खीसे ही जाने ने। बस उस तो अलावा रब ही करता, और कोई नहीं करता। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 55। 55 सालों में आपने कभी ऐसा दौर देखा था? नहीं जी, ऐसा बदतरीन दौर नहीं देखा कि ना कारोबार है, तो ना कोई लैंड, ना कोई देन, कुछ भी नहीं है। हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमें तो लगता है मजीद हमारे पे और सख्ती आएंगी। सही नहीं, अभी आपका गुजर बसर सही हो रहा है आपका? ओहो, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त ना हमारी गुजर जो है ना नहायत मुश्किल हुई है। जहाँ पर हमने 3 टाइम थे, 2 टाइम रह गया, अब 2 टाइम का भी 1 टाइम रह गया यार। गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा इतनी महंगी रोटी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बजट आने वाला है, आपको क्या लगता है कि बजट में वाम को रिलीफ मिलेगा या और मजीद मुश्किलात पैदा होंगी? मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि इनके कंट्रोल की बात ही नहीं, हुकूमत क्योंकि जो भी आती है ना उसके बस की बात नहीं है कि गरीब आवाम के साथ अच्छा सलूक किया जाए। इनको अपनी सीट के चक्कर में ना आवाम को ख़त्म कर दिया। महंगाई को आप कैसे देख रहे हैं? महंगाई आपको कुछ बता ही नहीं सकते, आटा 160 रुपये किलो है, 170 रुपये किलो है। अब इससे ज़्यादा क्या, यही तो आटा ही तो खाना, हमने क्या खाना इसके अलावा बताया? गरीब आदमी आटे के अलावा क्या खाता है? फल तो हम ले नहीं सकते, इतना महंगा है। गोश्त है 2000 रुपये किलो हो चुका है, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त 800 रुपये किलो है। जो मुर्गी थी सबसे सस्ती वो अब 700 रुपये किलो है। अब सस्ता क्या है? सस्ता क्या है? सस्ता तो ये फिर हो ही सकते हैं आवाम के लिए, हुकूमत के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत महंगाई है, हालात खराब हो गए हैं, लोग परेशान हैं, ठीक है ना, आप लड़ रहे हैं। तो कारोबारी मसल थोड़े सामने मार्केट की पोजीशन जा रही है, हर आदमी इस टाइम परेशान है। कितनी उम्र होगी आपकी?
मेरी को जो 60 साल हो गई है। 60 सालों में आपने महंगाई का ये दौर कभी देखा? मैंने कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। सर जो तो इस टाइम गवर्नमेंट की सूरत हाल जा रही है, जो इस टाइम पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, उसके मुताबिक तो नहीं लग रहा कि अवाम का भी कोई सोचेगा। मुझे नहीं लग रहा कि अवाम के बारे में कोई सोचे। मुझे तो लगता है मुझे और मज़ीद इजाफा होगा महंगाई में। वो सिर्फ एक बात चाह रही है डेली, सिर्फ सोशल मीडिया हो चाहे टीवी हो, जब भी आप चैनल लगा लें सिर्फ फौज फौज फौज। हमें पता है किस हालत में गुजारा कर रहे हैं, शायद कुछ लोग हैं बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है हमारा। अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, बहुत महंगाई हो गई है। अब गुजर बसर ऐसे है कि सुबह के ये बैठे होंगे रिक्शे वाले, ये टाइम हो गया, कारोबार है ही कोई नहीं। कारोबार होगा तो खुशहाली आएगी। मैं एक दुकान पर लगा 18,000 तनखा लेना, 18,000 रुपये महीना। हाँ तो गुजारा नहीं होता, बहुत परेशान है। मैं रोटी में दरबारों खाना बहुत परेशान है। दरबार से रोटी खाते हैं? हाँ मैं मजदूरी का दुकान पर लगा कि दुकान पर 18,000 देते हैं, मगर बहुत गुजारा बहुत मुश्किल हो रही है। भाई गरीबा से हमेशा महंगाई हुई है, यदा कोई किसी हुक्मरान ने गरीब का नहीं सोचा, उन्हें आके हमेशा महंगाई ही की है। गरीब का ना किसी ने सोचना, तो ना आने वाले ने किसी ने सोचना। हुकूमत ने कि सोचा आगे जिदा भी आया महंगाई की थी। अभी कैसे गुजर बसर हो रहा है? बस बड़ा मुश्किल गुजर बसर हो रहा है। 4 बच्चे है ना, 30,000 तनखा, कितने 30,000 बच्चों पढ़ाइए रोटी खाइए। महंगाई के सताए आवाम का हुक्मरानों से यही मुतालबा है कि उन्हें 2 वक्त की रोटी मुयसर की जाए, वो भी सुकून और इज्जत के साथ। अपने मेज़बान फैसल अकरम को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर हूँगा एक नए सवाल के साथ। आप देखते रहें नेशनल न्यूज़नामा।